जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हाल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन के कर्मचारी हैं, जो अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट कर रहे हैं। यूनियन के प्रांत महासचिव नरेंद्र धीमान ने कहा कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है, वह तानाशाही रवैये अपना रही है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों से वादा किया था कि हम कच्चे कर्मचारियों को पहली कलम से पक्का करेंगे, नई पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, निजीकरण पर पूर्णतः रोक लगाएंगे, विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं उनको नियमित रूप से भरेंगे, वे कर्मचारियों को पूरी कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी देंगे। लेकिन इस सत्तासीन गठबंधन सरकार ने कर्मचारी को बरगलाने का काम किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा ने कहा कि पलवल की ऐतिहासिक धरती पर महात्मा गांधी ने क्रांति का बिगुल बजाया था, उसी धारा से आज हमने पंचकुला सेक्टर 4 प्रमुख अभियंता के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया है। उन्होंने कहा, जन स्वास्थ्य विभाग का लोड बढ़ चुका है, नए पद सर्जित कर कर्मचारी की भर्ती की जाए। प्रमुख अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पंचकुला द्वारा हमारे संगठन को 30 मार्च को लिखित में परिपत्र दिया, आप कर्मचारियों की मांगों में समस्याओं पर बातचीत करने के लिए 13 अप्रैल को आमंत्रित हैं। जैसे ही हमारे संगठन का शिष्टमंडल 13 अप्रैल को मुख्यालय में उपस्थित हुआ, उस समय मुख्यालय के कर्मचारियों द्वारा मौखिक रूप से कहा गया, आज आपकी मीटिंग पोस्टपोन करके 21 अप्रैल कर दी गई है, जिसकी पूर्व में सूचना देना मुख्यालय के कर्मचारियों द्वारा भी हमारे संगठन को मुनासिब नहीं समझा। लोकतांत्रिक तरीके से हमारे संगठन ने मुख्यालय में अपना विरोध नारेबाजी करके जताया। विरोध जताने के बाद प्रमुख अभियंता ने मुख्यालय के कर्मचारियों की गलती को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें बहुत ही सम्मानित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ शर्मा जी, प्रांतीय महासचिव नरेंद्र धीमान जी को शाम को 13 तारीख को ही निलंबन के आदेश थमा दिए गए थे। यहाँ तक कि उसके बाद भी प्रमुख अभियंता का मन शांत नहीं हुआ। 22 तारीख को फिर हमारे जो 5 कर्मचारी नेता थे उनके भी निलंबित के आदेश विभिन्न सर्कलों में भेज दिए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है प्रमुख अभियंता सरकार और कर्मचारी संगठन का टकराव करवाना चाहता है, क्योंकि प्रमुख अभियंता अपने कर्मचारियों की गलतियों पर पर्दा डाल रहा है। हमारा संगठन आपके चैनल के माध्यम से मांग करता है, प्रमुख अभियंता में कार्यालय में जो दोषी कर्मचारी है, चाहे वो सुपरिटेंडेंट है, चाहे असिस्टेंट है, चाहे और कोई भी दोषी कर्मचारी अधिकारी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। नहीं तो हमारा संगठन आने वाली 18 मई को प्रमुख अभियंता कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्रमुख अभियंता की होगी। यदि पंचकुला में और प्रदेश में कोई अव्यवस्था फैलती है या कोई शांति भंग होती है, उसकी भी जिम्मेवारी असीम खन्ना प्रमुख अभियंता की होगी, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से जन स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं पर टाल मटोल की नीति प्रमुख अभियंता द्वारा अपनाई जा रही है। समस्याओं का समाधान हमारा संगठन गांधीवादी विचारों में आस्था रखते हुए बातचीत द्वारा करना चाहता है, लेकिन इस प्रकार के हिटलर सा तानाशाह अधिकारी प्रदेश की सरकार को भी बदनाम करने पर लगे हुए हैं, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्रमुख अभियंता योगी नरेंद्र धीमान, प्रांतीय महासचिव ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मुख्यालय कर्मचारी इंद्र नंबर 681 मुख्यालय करनाल संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिसंघ, आज पलवल की ऐतिहासिक धरा पर जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने क्रांति का बिगुल बजाया था, आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन ने हिटलर सा तानाशाह और वादा खिलाफी करने वाले प्रमुख अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग सेक्टर 4 पंचकुला के खिलाफ ये बिगुल बुझाया। ये आंदोलन का आगाज पलवल से शुरू किया। पिछले काफ़ी समय से कर्मचारियों की मांगें एवं समस्याएं ज्यों की त्यों लंबित पड़ी हैं। हमारी मांग आपके माध्यम से कि सभी प्रकार के जो वर्ग ट्रमोपेंटी पंचायती राज कॉन्ट्रैक्ट बेस के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, बंद पड़ी प्रमोशन प्रणाली को बहाल करे, जनवरी 18 में जो हमारे नए WPO लगे
उन सहित तृतीय श्रेणी के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 25,500 का वेतनमान दे, तकनीकी वेतनमान बहाल करे, रिस्क के पदों पर काम करने वाले कर्मचारी को रिस्क अलाउंस दे। और विभाग में आज जन स्वास्थ्य विभाग में लोड बढ़ाया, लोड के हिसाब से नए पद सृजित करके रेगुलर भर्ती की जाए और ग्रुप डी के कर्मचारी जो ग्रुप सी के पदों पर काम कर रहे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट के अलावा डांगरी रेनकोट रबड़ सोल सूजी इत्यादि मिलना चाहिए। हमारी जो सर्विस रूल में